गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस अबाउट सिविक्स चैप्टर नंबर 4 औरतों ने बदली दुनिया। लास्ट केस डिस्कस अबाउट मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड टुडे डिस्कस अबाउट मेन वर्ड्स सबसंग्रह। इस पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे, किस प्रकार इन शब्दों का व्याख्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम रूढ़वादी धारणा, रूढ़वादी धारणा से अभिप्राय है वो ये है कि जब हम विश्वास करने लगते हैं किसी भी चीज में, जब विश्वास करते हैं कि किसी विशेष धार्मिक या आर्थिक क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणा को का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। यहाँ पर रुचि को नहीं देखा गया, बल्कि उनका जो अंतर देखा गया वो उनके लिंग का अंतर देखा गया। वो लड़का है इसलिए उसको ये लेना चाहिए, वो लड़की है इसलिए उसको ये विषय लेना चाहिए। तो इसी प्रकार की जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं, हमें लोगों को उसकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। इस प्रकार से जो रूढ़िवादी धारणा होती है वो इसी प्रकार की होती है, जो किसी भी कार्य को किसी के ऊपर जबरन थोपा जाता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए। स्वेच्छा के अनुसार प्रत्येक लड़के लड़की को विषयों का चुनाव करना चाहिए। अगला आता है भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या होता है? भेदभाव कब होता है? जब हम किसी को एक ही कार्य करने के लिए या उनको एक ही प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी है हमको, लेकिन वहां पर हम उसमें अंतर स्थापित करते हैं, तो निश्चित ही भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार करते नहीं करते हैं, यह तब होता है जब व्यक्ति यह समस्याएं पूर्वाग्रहों के से ग्रसित होती है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बताया गया विषय के लिए, वो लड़की स्थिति उसको ये विषय नहीं लेना चाहिए, ये लड़के को लेना चाहिए, लड़का समझ करके बाहर घूम सकता है, लड़की एक मिनट के लिए बाहर अपना कोई कार्य करने नहीं जा सकती है। तो ये सब क्या है? ये भेदभाव। जबकि हमें समाज में संविधान के अनुसार में समानता का अधिकार दिया गया है, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। उल्लंघन, उल्लंघन से हमारा तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे के द्वारा उसमें किया गया हस्तक्षेप। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है, कोई कानून में उसको यदि तोड़ता है, ऐसे भी कई कानूनों के बारे में आपको बताया गया था इससे पहले, तो आपने देखा कि उन कानूनों का यदि कोई उल्लंघन करता है, को तोड़ता है, उल्लंघन क्या है? यदि उसका कि कानून को नहीं मानता है या उसको जबरन तोड़ देता है, अपनी इच्छा चलाता है वहाँ पर, जबकि वो कानून सभी के लिए समान है, या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उस कानून का उल्लंघन किया। तो हम ऐसे कानूनों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। जो कानून सभी के लिए बनाया गया है, चाहे सभी की रक्षा के लिए, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। इसके बाद अगला आता है यौन प्रताड़ना। यौन प्रताड़ना से मतलब होता है, अभी आपने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि महिलाओं को किस प्रकार से
यौन उत्पीड़न के या कर्म के साथ। यौन उत्पीड़न कई प्रकार से होता है, शारीरिक दृष्टिकोण से होता है, एक मानसिक रूप से होता है, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना देना, ठीक है, या मौखिक रूप से उसको उसके साथ कुछ अभद्रता का व्यवहार करना, ये सब क्या होते हैं, ये सब उसी के अंदर आती है। और इन सबको कानून में, इन सबको के लिए एक ही कानून बनाया गया है, तो अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में दाव किया गया था किसी भी संगठन या संस्था में बजाय कार्य करते हैं तो उनको किस प्रकार उत्पीड़न नहीं करना, उसके लिए जो कानून बनाया गया था ये सारे पढ़ते हैं कि ऐसा इनमें से कोई भी हरकत उनके साथ होती है तो उस कानून के द्वारा वह दंड का भागी होगा। इसी प्रकार बंधुत्व क्या है, बंधुत्व का मतलब है एकजुटता के मामला, सभी के लिए जब एक समान कानून लागू होता है तो हमें भाईचारे की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, उस उत्पन्न से हमें सभी बहनों को एकजुट होना चाहिए, भाई बहनों को सभी को, और हमें समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो लाभकारी हो। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि हमारे अंदर बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, इससे उसका विकास हो सके। जागरूकता, जागरूकता का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने के लिए तो ताकि हमें जागरूक होना चाहिए, दूसरा ये भी होता है यदि हमारा कोई विरोध कर रहा है तो उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, हमें पता है कि बार बार हमारी गलती ना होने पर और हमें किसी तरह से प्रसारित किया जाता है तो उसको हमें सुधार करने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए और उनमें हमें अपनी समस्याओं को रखना चाहिए। तो इससे बताया था कि औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी उनका जो महत्वपूर्ण कार्य था आंदोलन में, तो जागरूकता भी लानी चाहिए। अगला था अभियान, अभियान क्या होता है, अभियान में किसी कानून को बनाने के लिए या किसी का विरोध करने के लिए हमें एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए, अभियान का मतलब होता है इसमें सभी कुटिया सभी समुदाय, जरूरी नहीं है जोर से पीड़ित तो वही, सभी का सहयोग होना चाहिए और एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए जो हर क्षेत्र में उसको चलाना चाहिए, और जब अभियान सक्रिय होता है तभी कोई ना कोई आंदोलन सफलता पतियों से और एक नए कानून के अंदर आता है, क्योंकि अभियान से क्या होता है सभी पूरे समाज में उस बात की चर्चा हो जाती है। तो हमें अभियान के माध्यम से चाहे वो भेदभाव हो या हिंसा से मतलब हो हमें उसका अभियान चलाना चाहिए, इसीलिए ये महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य बना था। आंदोलन, आंदोलन का मतलब होता है किसी एक बात को लेकर के और पूर्ण रूप से उस कार्य को जब तक सफलता ना मिले तब तक उसमें जगह जगह हमें उनकी जो विषम परिस्थिति उनके बारे में उजागर करना चाहिए और उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसको सामने सभी समाज के सामने लाना चाहिए जिससे उसका सही निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार से हमें आंदोलनों का जो भी प्रतिभाग होना चाहिए चाहे वो किसी क्योंकि आंदोलन हमेशा हम किसी अपने अधिकार को मनवाने के लिए अपने अधिकार की रक्षा के लिए ही आंदोलन किए जाते हैं। अवसर, अवसर का मतलब तो मौका, कभी कभी हमें कुछ कहते हैं कि हमें ऐसे अवसरों को भी नहीं होना चाहिए मौकाओं को जो हम ये शिक्षा प्राप्त हैं, जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए हमें ऐसे अवसरों पर ध्यान रखना चाहिए और उन अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए, यानी ऐसा मौका हमारे सामने सदैव होना चाहिए कि हम उन अवसरों से प्रेरित हो सकें। और अंतिम आता परिवर्तन, अभी हमने बताया था आपको कि परिवर्तन किसी भी कार्य को अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें परिवर्तन की दृष्टिकोण से परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है, हमें अपने व्यवहार में अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए, यदि हमें लगता है कि हमारे कोई भी कार्य उससे प्रभावित हो रहा है तो ऐसा भी हमें करना चाहिए, और यदि कुछ हमें कहीं से प्रेरणा मिलती है तो हमें वहाँ पर भी अपना परिवर्तन करके उस प्रेरणा को लेना चाहिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं। आज आपका ये चैप्टर नंबर 4 औरतों ने बदली दुनिया, यहाँ पर आपने बहुत सारे तथ्य देखे, तो आपने देखा काफ़ी
परिवर्तन आया और धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। समाज में महिलाओं की भी स्थिति पुरुषों के बराबर होती जा रही है, जो समानता का अधिकार धीरे सिद्ध हो रहा है। और ये टॉपिक आपका आज समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।